तो गाइस ये लॉक को तुम भी देख सक रहे होगे, तुम्हारे घरों में भी ऐसा ही लॉक पड़ा हुआ होगा और हर जगह पर सब कुछ बंद किया हुआ लॉकडाउन है। और लॉकडाउन के इस माहौल में मैं कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ों के मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ दोस्त से आपको मिला देता हूँ। और ये मेरा दोस्त है जिसका नाम है सेरा। वैसे ये टाइगर है लेकिन मैंने इसका नाम सेरा रखा। डरने की जरूरत आपको है मुझे नहीं, क्योंकि मेरा ये दोस्त है, मेरा पालतू जानवर है। और ये मेरा दोस्त है जिससे मैं लॉकडाउन में दोस्ती किया मैंने। ये मेरी दूसरी दोस्त है बिल्ली मौसी। अब बिल्ली मौसी में से किटी 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 करके बुलाता हूँ, काफ़ी अच्छा टाइम पास होता है मेरा इसके साथ। और लॉकडाउन के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मतलब ये जो मैंने अभी दिखाया आपको सारा कुछ, जो शेर के साथ दिखाया, इसके साथ दिखाया, इसे बोला जाता है AR, अज्यूम रियलिटी। आखिर ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले हम वर्क के ऊपर इसकी आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये गूगल ईस्टर एग है जहाँ पे हमें सबसे पहले सर्च करना है टाइगर। और गूगल ईस्टर एग के बारे में जो नहीं जानता, मैं आई बटन में मैंने एक वीडियो बनाया, उसे मैं डाल दे रहा हूँ, उसे वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। देन अब यहाँ पे नीचे हमें आना है, यहाँ पे ऑप्शंस एक आएगा व्यू इन 3D, उस पर क्लिक कर लेना है। ये व्यू इन 3D पे क्लिक हो गया और ये शेर यहाँ पर सामने में आ गया। बट हमें तो शेर को सामने में लाना है व्यू इन योर स्पेस, तो उस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। हमने क्लिक कर लिया व्यू इन योर स्पेस और कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे, मुझे बोल रहा है कि इधर उधर घुमा। एक सरफेस ऐसा उसे चाहिए जहाँ पे मैं उसे ला सकता हूँ, तो इसे इधर उधर टर्न कर लेना है। देन ये देखिए यहाँ पे सामने बड़ा सा शेर आ गया। अब इसे अपने हिसाब से आप जो है एडजस्ट कर सकते हो, इसके चारों तरफ घुमा के भी इसे देख सकते हैं। इस शेर को हम इधर उधर भी घुमा सकते हैं, मतलब मस्त सा चीज़ है। ये देख सकते हैं ये शेर यहाँ से दिख रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि सामने में सही में नहीं खड़ा है। ये देखिए ये सामने में बिल्कुल ऐसा ही खड़ा है। और हम लोग ऐसे देखेंगे तो कुछ नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखते हैं मोबाइल के ऊपर, तो यहाँ पे ये सही में खड़ा है। ये फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम लोग अपने आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। बीच में आप बैठ जाओ इधर साइड और उसके फिर फोटो क्लिक कर लो, तो ऐसा भी यहाँ पर ऑप्शन है। डॉग मैंने सर्च किया और यहाँ पर बहुत सारा बर्ड का ऑप्शन आ गया। ये सारे बर्ड पे ये काम करेगा, मछली हो, लायन हो, हॉर्स, ये सारा चीज़ पे ये काम करने वाला है। ये गूगल का ईस्टर एग है। सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड एक गेम के बारे में बता देता हूँ, इसका नाम है टेबल ज़ॉम्बी AR लाइट। तो इसे सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ये कुछ टेबल ज़ॉम्बी AR लाइट इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे एक सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इन्फो और सेकेंड आ रहा है प्ले। काफ़ी ज़्यादा साउंड है, पहले मैं साउंड को यहाँ पे कम कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम इन्फो में हमें चल जाना है। इन्फो में जाने के बाद ये ओपन, ओपन होने के बाद यहाँ पे एक कुछ डाउनलोड करने के लिए आपको बोला जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लो और उसे प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। ये यहाँ उसका प्रिंट आउट, आप इसे डाउनलोड करके वहाँ से प्रिंट आउट निकालो। देन प्रिंट आउट आपके पास आ गया, अब प्ले करना है। प्ले करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हैं, जिसे बाय करने के लिए बोल रहा है, बाय फुल वर्जन, तो मैं उन सब पे नहीं जाता हूँ। पहला एक वर्जन यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे हम वो गेम को खेल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि इस जगह पे ये गेम ओपन हो गया और यहाँ पे कुछ स्कैन करने के लिए मांग रहा है। तो जैसे मैंने ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल को मैंने जैसे ही सामने चलाया, यहाँ पे ये कंप्लीट आ गया जैसे दिख रहा है आपको। और यहाँ पे कुछ फाइटिंग वगैरह भी हो रहा है, तो मतलब इसमें अगर आप जितने सामने पे ले जा सकते हो उसे उतने सामने पे ले जा सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गन्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे ये कुछ ज़ॉम्बी है जिसे हमें मार, तो ऐसे करके हम यहाँ से इसे मार सकते हैं। ये मैंने इसे ले लिया, ऐसे करके यहाँ पे इसे मार सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे ज़ॉम्बी से लड़ लड़ के खेलना है। आप चारों तरफ इसके चारों तरफ देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो इसके चारों तरफ। ये एक छोटा सा पेज है जिसमें पूरा का पूरा यहाँ पे एक पैनल खड़ा हो गया, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा एक रियल वर्ल्ड टाइप का एक गेम चालू हो गया। और अगर सामने से देखो तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ये बस एक पेज है। पेज के ऊपर काफ़ी मस्त, मतलब ये सारा जो टेक्नोलॉजी है ना, बहुत पहले आ चुका है लेकिन काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है। जैसे मैं जितने सामने उसे ले जाऊँ मारने के लिए, यहाँ पे जाके इसे मार सकता हूँ। जैसे तो ये वाला गन मैंने ले लिया और अब देखो ये मैंने इसे क्लिक कर करके इसे गोली मार रहा हूँ और इसे बचा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे कमांडोज हैं, उनसे इन्हें बचाना है। तो देखो ये मैंने उसे मार दिया, वो ख़त्म हो गया। फीलिंग आपको दे देंगे और यहाँ पे सारे लेवल को पार करना है। जैसे ये एकदम बिल्कुल आप सामने पे जा सकते हो, ये कार के पास सामने पे जाओ और ये ख़त्म, ये मर गया, ये देख रहे होगा इसे मर चुका है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे काफ़ी, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे हम बहुत अच्छे से अपने साथ अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी मज़ेदार भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसे टाइम पास नहीं कर पाओ, बस आपको ये प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये वाला प्रिंट आउट आप निकाल लो, प्रिंट आउट अगर लॉकडाउन में आपका प्रिंट आउट अगर निकल सकता है कहीं से आसपास से, तो अगर आप निकल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर
इसके अलावा मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं अब अगले एप्लीकेशन पे अपने आता हूँ तो, और जो ये अगला मेरा एप्लीकेशन है इसका नाम है मोशन स्टील्स, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये मेरा अगला एप्लीकेशन है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। चलो ये ओपन हो गया और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे AR मोड, जैसे मैंने आपको बताया था AR के बारे में ये पूरा वीडियो, तो यहाँ पे AR मोड अलग से दिया हुआ है। जैसे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे मुझे एक, जैसे आपको बताया था सेम उसी टाइप से यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है, ये यहाँ पे खड़ा है। और अगर हम चाहें इसे तो अपने हाथ पे भी ला सकते हैं, जैसे ये मेरा हाथ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मेरे हाथ पे ऐसे करके आ, और यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हाथ पे अच्छे से खड़ा है, मैं इसे उठा भी ले रहा हूँ और सामने देखो ये अच्छे से, इसके चारों तरफ भी हम लोग देख सकते हैं, ये सारा कुछ हो सकता है। अगर हम इसे यहाँ पर रख दें, ये यहाँ पर खड़ा हो गया, अब इसे हमें छोटा करना है छोटा भी हो जाएगा, इसे हमें बड़ा करना है बड़ा भी हो जाएगा। ये सेम जो मैंने पहला आपको बताया ईस्टर एग के बारे में, सेम उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस है, ऐसे ये वाला ऑप्शंस हो गया, यहाँ पे UFO को यहाँ पे खड़ा करना, नीचे में उसका शैडो भी हमें बना हुआ दिख रहा है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यही लगता है, ये इधर उधर घूमने लगता है और काफ़ी खतरनाक सा ये लगता है देखने में। जैसे मैं अपना हाथ में चाहूँ तो इसे इधर उधर चला सकता हूँ लाइक इस तरह से, ये देखो क्या मस्त लग रहा है देखने में। यहाँ पे ये चले तो मेरा पूरा हाथ, जैसे मैंने यहाँ पे इसे रख दिया ठीक, ये मेरे हाथ में ऐसे चल रहा है मस्त, और काफ़ी ख़तरनाक सा चीज़ है। बगल में मेरा हाथ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहीं पे ये AR का ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और भी ऑप्शन हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर फिर से वापस आ जाते हैं, जैसे ये एलियन को यहाँ पे हम खड़ा कर लिए, सामने में खड़ा कर दिया हमने एलियन को, और ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे एलियन खड़ा हो गया सामने में, और ये भी काफ़ी मज़ेदार सा चीज़ है देख रहे हो, ये एलियन यहाँ पे है, और इसे भी हम छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया। और यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, ये जैसे पूरा अर्थ यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे एक रोबोट है, ये सारे 400-500 ऑप्शंस यहाँ पे है दिए हुए। नेक्स्ट वाला जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हमें इसमें ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, इसका नाम है हॉलो। देन ये ओपन हो गया, अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, ये सारा ऑप्शंस है, ये सारे को हमें ओपन करना है। जैसे डॉग वॉक मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये देखिए यहाँ पे ये डांस कर रहा है, इसका आप वीडियो बना सकते हैं, सामने में आप भी खड़ा हो जाओ या फिर अपने हाथ पे इसे ले लो, और फिर देखो ये यहाँ पे डांस कर रहा है, इस चीज़ का भी आप वीडियो बना सकते हो, आप इसे उछाल सकते हो, और भी मतलब बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे माय चांस लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है, मैंने ओहो ये तो स्पाइडर मैन यहाँ पे आ गया, अच्छा यहाँ पे आपको कुछ बोला भी जाएगा, ये बोल भी रहा है यहाँ पे, इसे हम अपने अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं, कहीं पे भी ये खड़ा हो जाएगा, इसे भी मैं अपने हाथ पे खड़ा करने का कोशिश करता हूँ, देखो ये मेरे हाथ पे ये खड़ा हो गया, ये शानदार चीज़। मेरे पास AR से रिलेटेड काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं सारी चीज़ को यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ, मैं बेसिक जो इंटरेस्टिंग था कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाले आप सॉफ्टवेयर्स थे, जैसे मैंने गेम्स के बारे में बताया, ये वाला गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैं इसे कभी कभी खेलता भी और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे पास प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट के बिना भी यहाँ पे कुछ कुछ गेम है, जैसे पार्क AR, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे कोई प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, और वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में इसे खेला जा सकता है, मतलब कोई भी टेबल, जैसे मैंने ये टेबल के जगह पे मैंने इसे रखा, कोई भी टेबल के ऊपर वहाँ पे आप मार्क कर दो, मार्क करने के बाद इसके बिना मार्क कर दो, मार्क करने के बाद आपका वहाँ पे कंप्लीट इतना बड़ा एक स्पेस बन जाएगा, वहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करना है, गाड़ी को चलाना है, उस जगह पे आपको ड्रिफ्टिंग या फिर कार्स रेसिंग, ये सारा कुछ वहाँ पे रियल लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। आप जितने ज़्यादा जूम करोगे, जितना उसको कैमरा के सामने जाओगे, कंप्लीट रियल यहाँ पे हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से बनाया, इसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज अभी हमारे मूवी में भी इस चीज़ का यूज किया जा रहा है, और काफ़ी जगह पर इस चीज़ का यूज किया जा रहा है। तो गाइस अगर ये AR के बारे में आपको समझ में आया, और AR क्या होता है और इसका क्या क्या यूज है, किधर किधर हम कैसे इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, फोटो क्लिक करने में, वीडियोज बनाने में, और कहीं पे कूल दिखने में, मुझे ये सारा कुछ आता है, तो ये यार इस वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, और मैं मिलता हूँ इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो पे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।